हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानाज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? होपफुली आप अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो आज मैं जा रही थी फार्म हाउस, हमारा थोड़ा फैमिली ट्रिप है और हम जाएंगे। गर्मी तो इतनी हो रही है बट बच्चों ने ज़िद कर रखी है, तो आज हम जाएंगे फार्म हाउस। तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाती हूँ, शूट करते हैं बाहर का और चलते हैं कि क्या क्या हम इंजॉय करते हैं। तो मैंने एक कम्फी सा कॉट सेट पहन लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं लगा, तो मैंने ये पहन लिया है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या इन्जॉयमेंट करते हैं। और हाँ, मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया है, लोशन और सनस्क्रीन लगाई है बस, और कुछ भी इसमें मेकअप नहीं क्योंकि बाहर जाके हाल बुरा ही होना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिजाब ट्यूटोरियल, हिजाब को कैसे बांधा जाता है, और बहुत इजी वे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जूड़े को ना ऊपर टक कर लिया है, थोड़ा टाइट कर लिया है ताकि लूज़ ना हो। ऐसा हमें एक स्टॉल लेना है, स्टॉल ईजीली कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपके पास दुपट्टा हो तो आप उसका भी कर सकते हैं। तो आगे से थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया है ताकि थोड़ा सा आगे का लुक है वो अच्छा है। बस इसको फोल्ड कर देंगे एक तरफ से और यहाँ पे हम एक ऑल पिन लगाएंगे। अगर सेफ्टी पिन है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और ऑल पिन अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो ये सिक्योर रहता है, बहुत जल्दी से नहीं खुलता है। ये देखिए, इसको हम एक और बार ट्विस्ट करके एक ऑल पिन और लगा लेंगे ताकि खुले नहीं, और बहुत इजी सा हिजाब हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई भी इसको बांध सकता है। और आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे मैंने तीन ऑल पिन सेट किए ताकि मेरा आगे जाके परेशान ना करे और हिले ना। तो हम हो चुके हैं रेडी चलने के लिए, तो चलते हैं। पिलो वहाँ पे रखो, पिलो सही से करके रखो, और टैप को आप बंद कर दो और चलो, बस जाने वाले हैं 2 मिनट्स में। तो ये था रास्ते का व्यू, और हम लोग नोएडा गए थे, तो ये नोएडा में हम पहुंचने अच्छा। वाले हैं, और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो उनका नंबर व्हाट्सएप कर दो, फार्म हाउस दिखाती हूँ। देखिए तो हम आ गए फार्म हाउस। अरे पुल तो बहुत छोटा है, और छोटा भी बहुत है। हेलो हेलो, ये साफ हो रहा है। तो हम आ गए फार्म हाउस पे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, वो तो अभी क्लीन करेंगे सब लोग। कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? अच्छा। ये है गार्डन, चलो लेके आते हैं। अभी लेके आओ शदा, पुल तो बहुत छोटा है। छोटा लग रहा है। ये है गार्डन, तो आज हम यहीं रहने वाले हैं और एंजॉय करेंगे। पूल अभी साफ होगा क्या? हाँ, पूल साफ होगा। ये फैन पंखा उनका कैसे चलेगा? ठीक है ठीक है ठीक है।
पंखा तो खराब तो नहीं है, एक ही है पड़ा है कहीं भी आ जाओ। लो ये लगाओ मेरे लिए। तुम्हारे किसी के नेटवर्क आ रहे हैं? अरे वाईफाई की पासवर्ड दो इससे। फ्रिज तो बहुत गंदा है। तो ये है फार्म हाउस और ये है किचन। किचन में हमने कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह लेके आए थे तो उसको हम फ्रिज में लगा रहे हैं ताकि वो हमें चिल्ड मिले पूरे दिन के लिए। और ये है किचन छोटा सा, तो हमने खैर यहाँ की कोई चीज़ यूज़ नहीं की थी। हमने सोचा था कि हम जाते हैं तो करेंगे, अब वो एक घंटा लगेगा पानी। फिर तो हमने खाई थी लंच को बिरयानी, बहुत मजेदार सी। तो यहाँ पे पूल पे मस्ती हो गई है और मस्ती होने के बाद हम लोगों ने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा मेकअप कर लिया है और फिर हमने बैडमिंटन खेला, थोड़े से इंजॉय किया, खाना खाया, उसके बाद हम घर आ गए। और ये था हमारा आज का दिन जो बहुत अच्छा गया था, बहुत इन्जॉय किया था हमने अपनी फैमिली के साथ। तो होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे बाबा की हम।